डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पिछले क्लास में आईयूपीएसी नाम सीख रहे थे और आईयूपीएसी नाम को हम लोग तीन खंडों में विभक्त किए हुए हैं। एक का नाम है एल्केन से संबंधित आईयूपीएसी नाम, और दूसरा एल्कीन से संबंधित, और तीसरा एल्काइन से संबंधित आईयूपीएसी नामकरण। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो एल्कीन से संबंधित नामकरण होगा। तो चलिए टॉपिक दिया जाए, एल्कीन से संबंधित आईयूपीएसी नाम, यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर एल्कीन से संबंधित रहेगा, एल्कीन का मतलब तो समझ रहे हैं, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्कीन का अगर फार्मूला का अगर बात करें तो ये होता है CnH2n, पता है ना। कार्बन का इसमें डबल रहता है हाइड्रोजन, अगर कार्बन 2 रहे तो हाइड्रोजन 4, यानी C2H4 एक एल्कीन का कैटेगरी का होगा। तो एल्कीन से संबंधित आईयूपीएसी नाम करने के लिए हमें कुछ रूल नियम का फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट एरो लेकर लिखेंगे, लिखा जाए सबसे पहले पीसी चुनना होगा। दूसरा, जिधर से सेकेंड एरो में लिखेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड, इसको पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। थर्ड एरो देकर लिखेंगे, यदि डबल बॉन्ड फेल हो जाए, थर्ड एरो में लिखेंगे यदि डबल बॉन्ड फेल हो जाए तो सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। फिर फोर्थ एरो देकर लिखेंगे यदि सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाए, यदि सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो अल्फाबेट के आधार पर नंबरिंग करना होगा, अल्फाबेट के आधार पर नंबरिंग करना होगा। नेक्स्ट एरो, फिफ्थ एरो, इसमें सफिक्स के रूप में बताते हैं सफिक्स क्या है। इसमें सफिक्स अंग्रेजी में लिखिएगा SUFFIX, इसमें सफिक्स के रूप में इन जोड़ा जाता है। चलिए, तो ये रहा एल्कीन से संबंधित कुछ रूल्स जो आईयूपीएसी नाम लिखने में हमें मदद करेगा। तो सबसे पहला ये लिखे कि सबसे पहले पीसी चुनना होगा, और जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग पीसी कैसे चुनते हैं। पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल चेन, और प्रिंसिपल चेन का मतलब होता है सबसे ज्यादा कार्बन का चेन, ठीक है, जिसका दो छोर हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीसी, प्रिंसिपल चेन कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा बोले, देखिए सबका रूल नियम लिखने का जो है ना वो चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही रूल नियम पे सब आधारित होता है, ऐसा नहीं। एल्केन का लिखना होगा तो हम लोग पिछले दिन रूल पढ़े, आज हम लोग एल्कीन के बारे में सीख रहे हैं कि एल्कीन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि एल्कीन रहेगा तो इसमें डबल बॉन्ड रहना जरूरी है, तो यही बोला कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से आपको नंबरिंग करना होगा। अगर मान लिया डबल बॉन्ड फेल हो जाए, तो फेल कब होगा जानते हैं ना,
जब इधर से भी लेफ्ट तरफ से भी दो नंबर पे आए, राइट तरफ से भी दो नंबर पे आए, तो डबल बेंड फॉर्म, डबल बेंड बॉन्ड फेल माना जाएगा। और जब डबल बॉन्ड फेल होगा तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर देखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग सीखे हुए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो जो प्रिंसिपल चेन के बाहर होता है, जो प्रिंसिपल चेन के बाहर होता है या फिर प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ रहता है कोई भी यौगिक, तो हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा उधर से फिर नंबरिंग करेंगे, कब, जब डबल बॉन्ड फेल हो जाएगा। मान लिया सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट फेल हुआ था, देखे थे ना, सब्स्टिट्यूएंट फेल का मतलब क्या, बाएं तरफ से भी माने कि एक छोर से भी सब्स्टिट्यूएंट चार नंबर पे पड़ रहा है, दाहिने छोर से भी आपको सब्स्टिट्यूएंट चार नंबर पे पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूएंट फेल माना जाएगा। और जब सब्स्टिट्यूएंट फेल माना जाएगा तब हम लोग उसको किस आधार पे नंबरिंग करेंगे, उसको अल्फाबेट के आधार पे नंबरिंग करेंगे। और अल्फाबेट का मतलब क्या, ए बी सी डी का लेटर, और उसका नाम देखेंगे कि किसका क्या लेटर से शुरू हो रहा है, फिर हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे। और फिर इसमें लास्ट जो लिखे है ना, इसमें सफिक्स के रूप में इन जोड़ा जाता है। देखिए ये हम लोग शुरू में ही सीख चुके हैं कि एल्केन जहां रहेगा अंत में एन जोड़ेंगे, जैसे मेथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, एन जोड़ा जा रहा है सब में। उसी तरीके से जब एल्कीन का नाम लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ा जाता है, जैसे प्रोपीन, हेक्सीन और ब्यूटीन, इन जोड़ा जाता है। तो वही लिखा है, सफिक्स का मतलब आप पढ़ते होंगे ना हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय, पढ़ते थे ना हिंदी में, तो उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के आगे लग जाए, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय किसको कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ का एक नया रूप आ जाए, अर्थ का एक नया मीनिंग देने लगे, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। उसी तरीके से प्रत्यय का ही अंग्रेजी क्या होता है, सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब होता है अंत में लगाना या फिर अंत में जोड़ने वाला कोई शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि इसमें सफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे, इसमें सफिक्स के रूप में जो है इन जोड़ेंगे, ठीक है। अब इन सारे जो आप रूल्स नियम लिखे हुए हैं इनका कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि इनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, ये एल्कीन का कुछ यौगिक है और इसी एल्कीन के यौगिक को हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक टाइम रुकना पड़ेगा, रुककर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये किस रूल पे है। तो आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है हर जगह या फिर किसी में भी डबल बॉन्ड रहेगा, तो हमको समझना चाहिए कि वो जो बनेगा वो अल्किन से संबंधित है, और अल्किन से संबंधित आप आईयूपीएसी वाला जो रूल नियम है आप उसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो आपको पता चल रहा है, सबसे पहले ये तो पता चल गया कि ये एल्किन वाला लगेगा। अब एल्किन का पहला रूल क्या बोलता है, पीसी चुनो। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको पीसी चुनने के लिए सिखाए हैं। पीसी का मतलब प्रिंसिपल चैन, और एक ऐसा चैन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो और उसका दो ही छोर हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका जो पीसी बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे वाला का पीसी में यौगिक में तीन कार्बन है और तीन कार्बन को एक चैन में आसानी से ले सकते हैं। यहां पे कितना कार्बन है, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, तो यहां पांचों कार्बन को ऐसे ले सकते हैं, देख पा रहे होंगे ऐसे ले सकते हैं, यहां पे पांचों कार्बन को ले लिया। अच्छा इसमें टोटल कार्बन कितना है, एक दो तीन चार पांच। देखिए अब रहा बात कि यहां पे तो आपको टेढ़ा नजर आ रहा है लेकिन इसका छोर कितना है, छोर तो दो ही ठोर है ना, तो इसका पीसी इस तरीके से होगा। इसका पीसी कैसे चुनेंगे, तो इसका ज्यादा से ज्यादा कार्बन होना भी चाहिए और प्रिंसिपल चैन होना भी चाहिए, तो हम लोग ऐसे इसको प्रिंसिपल चैन चुन देंगे। अब प्रिंसिपल चैन चुनने के बाद दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा रूल ये बोल रहा है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। अब आप देखिए
इसमें पीसी का कितना छोर? दो छोर। आप यहां और यहां, आपका जो नंबरिंग करना है या तो आप यहां से कर सकते हैं या तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर यहां से करेंगे तो वन और टू, तो वन पे ही ना डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जब हम इधर से कर रहे हैं तो वन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और जब इधर से कर रहे हैं तब पर भी वन पे ही डबल बॉन्ड बन रहा है। देख पा रहे होंगे, इधर से कर रहे हैं तो वन पे डबल बॉन्ड और इधर से कर रहे हैं तो वन पे डबल बॉन्ड। तो दोनों तरफ से अगर हमको एक बार चेक करना है तो यहां पे डबल बॉन्ड क्या हो गया? फेल हो गया। जब डबल बॉन्ड फेल हो जाए तब आपको सब्स्टिट्यूएंट पकड़ना है, यानी कि सबसे पहले आपको एल्किन में डबल बॉन्ड देखना होता है। अगर डबल बॉन्ड फेल तो आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना पड़ता है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है? तो क्लोरीन है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल चार्ज से। तो अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो एक पर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, राइट साइड से करेंगे तो एक पर बनेगा, और अगर लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो वन और टू पे सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। तो हम लोगों को कौन आसानी है, राइट से कि लेफ्ट से? तो आपको पता चल गया कि हमें जो नंबरिंग करना है वो किधर से करना है, राइट से। तो यहां हो गया वन, यहां हो गया टू, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको नंबरिंग करना, दो चीज इंपोर्टेंट है, पहला पीसी चुनना और दूसरा नंबरिंग करना। अगर ये दो चीज आप अच्छा से कर लिए तो उसका नाम लिखना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो हार्ड है यही दो ठो है कि पीसी चुनना और नंबरिंग करना, क्योंकि नंबरिंग करने का भी कुछ ना कुछ रूल्स नियम है कि किस आधार पर नंबरिंग करेंगे। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले में सीखे कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा तो इसका पीसी का कितना छोर? दो छोर। या तो हम यहां से एक दो तीन कर सकते हैं या तो इधर से एक दो तीन कर सकते हैं। लेकिन जब हम राइट साइड से जरा करते हैं तो डबल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड देखना है। तो डबल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है? तो एक नंबर पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, दो नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो राइट साइड से बना दो नंबर, और लेफ्ट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड से एक नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, एक नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कौन आसान है, लेफ्ट से नंबरिंग की राइट से नंबरिंग? तो जो नजदीक पड़ेगा डबल बॉन्ड, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है तो वन टू थ्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच टू, इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा? जरा आपका इसका दो छोर चुनना होगा, तो दो छोर ये है। अगर हम नीचे से नंबरिंग करेंगे तो एक दो तीन पे डबल बॉन्ड बन रहा है, इधर से अगर करेंगे तो एक दो पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो किधर से आसानी है, लेफ्ट से कि राइट से? तो आपको पता चला लेफ्ट से, तो यहाँ पे लिख दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, नंबरिंग कर दी। चलिए अगर इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले डबल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड देखना है। अगर डबल बॉन्ड फेल होता है तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ है, तो किधर से आसान पड़ेगा, लेफ्ट से, क्योंकि इधर से तो एक दो तीन चार नंबर पे पड़ेगा, इधर से एक नंबर पे पड़ेगा। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से हम लोग नंबरिंग कर दिए। अब करना क्या है कि अगर हम लोग पीसी चुन लिए और नंबरिंग कर लिए तो हम लोग का बहुत आसानी से नाम लिखने आ सकता है। सबसे पहले करेंगे क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ जो है सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन कितना पे जुड़ रहा है, वन पे। तो इसका जो नाम होगा आईयूपीएसी नाम वो होगा वन डैश देखे क्लोरो, क्योंकि सीएल जब जुड़ा रहता है तो हम पहले ही वाला रूल में सिखा चुके हैं कि सीएल का जो नाम है क्लोरो होता है, बीआर रहेगा ब्रोमो होगा, आई रहेगा आयोडो रहेगा, होनफ होगा उसका नाम, एटी रहेगा अनस्टेटाइनो, सीएच3 रहेगा मेथिल या मिथाइल, सी2एच5 रहेगा एथिल या इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वन क्लोरो। अब देखना है कि चैन में कितना कार्बन है, तो चैन में दो कार्बन है, और दो कार्बन होता है कितना, मेथ एथ होता है दो कार्बन के लिए, तो यहां हो जाएगा एथीन।
एथीन क्यों किए हम लोग, क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए तो एथ होता है, और इसमें सफिक्स के रूप में यानी कि अंत में इन जोड़ते हैं। देखिए एल्कीन वाला में इन जोड़ा जाता है, तो यहां हो जाएगा वन क्लोरो एथीन। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो वन पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, दो पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तीन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तीन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। तो यहां लिखेगा थ्री क्लोरो, और कितना कार्बन का चयन है, तीन कार्बन का, मेथ एथ प्रोप, तो यहां प्रोप में इन जोड़ देंगे तो यहां क्या बनेगा, प्रोपीन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आगे देखें तो क्या यहां पे देखिए तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यानी कि पीसी से कोई चीज जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब कोई पीसी से जुड़ा हुआ चीज नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा उसका नाम लिख देंगे। जैसे कितना कार्बन का चयन है, अगर रहता कोई सब्स्टिट्यूएंट तब हम लोग वहां देखते कि वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि पीसी में कितना कार्बन है। तो प्रिंसिपल चैन जो है उसमें पांच कार्बन है, और पांच कार्बन के लिए क्या होता है, पांच कार्बन के लिए पेंट होता है, पांच कार्बन के लिए, यहाँ पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए पेंट होता है, और इसका नाम हो जाएगा सिर्फ क्या, पेंटीन, इसका नाम हो जाएगा सिर्फ पेंटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट तो दिख रहा है, और हम क्या बोले कि जितना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहेगा, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, पांच रहे, आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या क्या है जरा देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट पहला पर तो कोई जुड़ा नहीं है, दूसरा पे जुड़ा है क्या, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का नाम क्या होगा, ब्रोमो, तो यहां लिखेगा टू ब्रोमो। एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद कॉमा दिया जाता है, फिर तीसरा पर भी तो है, तीसरा पर कौन सा है, आई है, तो आई का नाम होता है आयोडो, यहां लिखिएगा थ्री आयोडो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। अब हमको प्रिंसिपल चैन में देखना है कि कितना प्रिंसिपल चैन है, एक दो तीन चार पांच, पेंट होगा और पेंट में इन जोड़ देंगे तो यहां हो जाएगा पेंटिंग। अगर मान लिया दोस्तों कि एक और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रहता तो चार पे भी यहाँ पे लिखते, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कितना भी रहे आपको पहले लिखना होता है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेने के बाद फिर आपको अंत में कार्बन वाला जितना भी चैन रहता है उसका हम लोग नाम लिखते हैं। अगर एल्कीन का रहेगा मतलब कि डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें हम लोग इन जोड़ते हैं। तो चलिए चार क्वेश्चन हम खुद बनाए हैं और आपको समझाए हैं कि एल्कीन से संबंधित आयुपेशी नाम को हम लोग कैसे करेंगे, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं एल्कीन से संबंधित, इसको आप खुद करिएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे, न पीसी चुन के देंगे आपको और न ही नंबरिंग करेंगे। अब जितना भी सारा वर्क्स करना है वो खुद आपको करना है। तो चलिए हम लोग कुछ होमवर्क्स के तौर पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपको खुद से करना होगा, उसका पीसी भी आप ही को चुनना होगा, नंबरिंग भी आप ही को करना होगा और नाम भी आप ही को लिखना होगा। चलिए तो चलिए यहाँ पे कुछ होमवर्क्स के तौर पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है जिसको आप खुद उतार लीजिए और खुद से बनाइए। जैसे CH3CH2C, यहाँ पे Cl है ना कि कार्बन, समझना, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और आप खुद इसका सबसे पहले पीसी चुनिएगा। उस तरीके से यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन है ना कि कार्बन है, तो इन चीजों को आप अच्छे से अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और फिर इनका सबसे पहले काम करना है पीसी चुनना है। पीसी चुनने के बाद पीसी चुनने के बाद आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग का हम आधार बता ही है, जिधर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड फेल होगा सब्स्टिट्यूएंट देखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट अगर फेल हो जाएगा यानी कि दोनों बराबर बराबर दूरी पर सब्स्टिट्यूएंट नजर आएगा तब आप अल्फाबेट लगाइएगा। तो इन चार क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है, और चलिए इसके बाद हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद कुछ टॉपिक्स देंगे, कुछ अन्य यौगिकों के आयुपीएसी नाम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कुछ ना कुछ रूल नियम पे आधारित हो रहा था। अब इसका जो नाम है, इसका जो आयुपीएसी नाम होता है कुछ अलग टाइप्स का होता है।
अब इसको हमें समझने का जरूरत है कि अगर ऐसा यौगिक आ जाए तब आप इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इन सारे सवालों के लिए अगर मान लिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये थोड़ा सा अलग हट के होते हैं, इसीलिए इसको टॉपिक्स अलग बनाए हैं कुछ अन्य यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। देखिए पहला क्या है, CH3CCH3CH2Br। अब यहाँ पे आप देखिए तो टोटल कार्बन है कितना, तो 1 2 3 4 5। लेकिन आप अगर प्रयास करें कि पांचों कार्बन को प्रिंसिपल चेन में, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका चारों तरफ छोर हो जाएगा, जो कि प्रिंसिपल चेन ऐसे नहीं चुना जाता। तो प्रिंसिपल चेन का मतलब होता है एक ही चेन, तो हम एक ही चेन ऐसे चुन सकते हैं, यानी कि इसमें जो प्रिंसिपल चेन बनेगा वो तीन कार्बन को ही लेकर बनेगा। अब इसमें जरा नंबरिंग का बात कर लेते हैं, तो इसमें किधर से नंबरिंग करेंगे, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो हम क्या बोले कि जिधर से सब्टिचुएंट नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ तो एक नंबर पे है और यहाँ तो दो नंबर पे सब्टिचुएंट है, तो यहाँ हो जाएगा नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। और इसका जो नाम हो जाता है ना, देखिए कैसे लिखते हैं, पहले तो यहाँ पे लिखा है जो एक ही कार्बन के साथ दो ठो जुड़ा रहता है, एक ही कार्बन के साथ दो ठो जुड़ा रहता है, पहले उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही जो कार्बन है, बोल सकते हैं कि, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप वन पे जो ब्रोमो है आप इसका पहला भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि वन नंबर से स्टार्ट करें। तो वन नंबर पे क्या है, ब्रोमीन। हम ये बता रहे थे कि अगर मान लीजिए इसका आप नहीं नाम लिखना चाहते तो आप टू से भी नाम लिख सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में जब एक ही कार्बन से दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम लिखते हैं कैसे नाम होगा, तो वन पे क्या है, ब्रोमो, वन ब्रोमो। अब टू पे दो ठो जुड़ा है तो यहां लिखेंगे टू टू, यानी कि टू पे भी जुड़ा है और ये भी टू पे जुड़ा है। CH3 का नाम क्या, मेथिल, तो मेथिल क्या को जुड़ा हुआ है, दो गो, इसीलिए दो मेथिल के लिए यहाँ पे डाई मेथिल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इसीलिए ये चीजें थोड़ा सा अलग हटके था, तो आप इसको जरूर अलग से नोट कर लीजिएगा कुछ अन्य यौगिकों के आईयूपीएसी नाम अलग से टॉपिक बनाकर। तो यहाँ पे वन ब्रोमो और टू पे ही दो ठो था और सेम सेम रहता है, जब सेम सेम रहता है तो उसके लिए डाई आता है, दो ठो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम सेम था CH3CH3, इसीलिए डाई आया है। और दो 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 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि दो ही पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो टू टू डाई किस लिए, क्योंकि दो बार आया है और इसका मेथिल नाम होता है। अब हम लोग कार्बन में कितना चेन, तीन चेन, मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ प्रोप लिख देंगे, लेकिन सब सिंगल बॉन्ड है यानी कि एकल बंधन है, तो हम लोग इसको एन जोड़ देंगे, प्रोपेन। तो इसका पूरा नाम जरा देख लीजिए क्या होगा, वन ब्रोमो टू टू डाई मेथिल प्रोपेन, इसका पूरा नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जरा अगर नाम करना होगा तो इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ठो दिख रहा है। ठीक है, और जब एक कार्बन दिख रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जरा ये समझिए, तो एक कार्बन है और एक ही वाले पे दो गो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ रहेगा। आप अगर सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर हाइड्रोजन भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर हाइड्रोजन रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है, हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई चीज रहेगा तब उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानेंगे। यहाँ कार्बन के साथ कार्बन तो पीसी हो गया, अब इस पीसी का हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा है, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो यहाँ पे कोई बोलेगा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो आप बोलिए कि हाइड्रोजन, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है कभी भी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हाइड्रोजन को छोड़कर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, जो कितना नंबर से जुड़ रहा है, तो एक नंबर से जुड़ रहा है, एक ही नंबर से ना जुड़ रहा है क्योंकि अकेला कार्बन में एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम कैसे, तो वन वन,
क्यों वन वन? क्योंकि वन पे ही दो ठो जुड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। वन वन कितना क्लोरो? तो दो क्लोरो, तो दो के लिए आता है डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब इसमें कितना चैन में कार्बन है? एक, तो एक के लिए आ गया मेथेन। तो इसका नाम सीख लीजिए, ऐसे सवालों का जवाब हम लोग कैसे करते हैं, वन वन डाई क्लोरो मेथेन इसका नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि देख पा रहे होंगे कि एक ही कार्बन है तो चैन चुन लिया। अब चैन चुन लिया तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कौन कौन सा है? क्या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हाइड्रोजन है? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आयोडीन 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 है। और एक ही पे तीन आयोडीन जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक ही कार्बन पे तीन गो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहेगा, तब हम इसको एक 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 लिखेंगे। यहाँ यहाँ डैश नहीं देते हैं, यहाँ कॉमा देते हैं, डैश देते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक 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 हो गया, वन वन वन। अब कितना आयोडीन है? तीन आयोडीन है, तो तीन के लिए यूज किया जाता है ट्राई, तीन के लिए यूज करते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई हो गया। अब एक कार्बन का चैन है तो हो जाएगा मेथेन, यानी कि वन 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 ट्राई मेथेन। जरा इसका नाम लिख देंगे, तो इसका नाम तो हम लोग खुद से देख सकते हैं वैसा ही है, तो इसका नाम लिख देंगे वन 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 ट्राई क्लोरी क्लोरो ट्राई आयोडो सॉरी 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 ट्राई लिखने के बाद आयोडो लिखना भूल गए थे, क्योंकि आयोडीन है ना, तो आयोडीन का नाम क्या होता है? आयोडो, तब जाके मेथेन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वन 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 लिख दिए, अब तीन गो के लिए क्या आता है? ट्राई। दो गो के लिए क्या आता है? डाई। तो एक ही कार्बन पे तीन ठो जुड़ा हुआ है, तो वन 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 क्या? ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और कितना कार्बन का चैन है? एक कार्बन का चैन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा के लिए। तो पांचवा का नाम क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल, अगर ये क्लोरो नहीं होता, इसको हम अगर छिपा लेते, तब ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे इतना CH3, इसका नाम होता है टॉलुइन। जैसा कि आपको याद होगा, बेंजीन इसको बोलते हैं ना, 10th क्लास में तो पढ़ते थे, ये है क्या है भाई, ये तो बेंजीन है। उसी तरीके से इसी बेंजीन में, सॉरी मिटा दिए, इसी बेंजीन में अगर यहाँ पे CH3 जोड़ दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है टॉलुइन। इसका नाम क्या होता है? टॉलुइन। तो यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले जो नंबरिंग करते हैं वो ऊपर वाले कार्बन से करते हैं, यहां से 1 2, इधर से चलता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 पे क्या हो गया? क्लोरो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। और पूरा का नाम क्या है? पूरा का नाम टॉलुइन है, तो 2 क्लोरो। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अलग टाइप के हैं, इनको आप याद भी रख सकते हैं कि अगर ऐसा अगर सवाल में आ गया तो इसका यूपीएससी नाम क्या है? 2 क्लोरो टॉलुइन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा जरा देखिए, तो जब CH2 से अगर कोई जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तब उसका नाम फिनॉल हो जाता है। जैसे मान लिया ये क्लोरीन यहां ना रख के यहां होता, जैसा कि इसमें दिख रहा है, तब यहाँ पे जो नाम होता ना क्या होता, तो ये एक कार्बन जुड़ जाता। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक पीसी चुन देते, सिर्फ एक ही कार्बन का होगा, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अलग अपना सिचुएशन बनता है नंबरिंग का। तो यहाँ पे ये हो गया पीसी, और पीसी में वन पे हो गया क्लोरो, तो यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो। और यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? जब कोई बेंजीन किसी कार्बन से जुड़ता है तब उसका फिनॉल नाम हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कैसे सीखे कि जब क्लोरीन अगर जुड़ता है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तब उसका क्लोरो नाम हो जाता है, उसी तरीके से इस कार्बन के चैन से बेंजीन जुड़ा है, तो बेंजीन जुड़ा हुआ है तो बेंजीन का नाम हो जाता है फिनॉल। तो 1 क्लोरो फिनॉल मेथेन। मेथेन क्यों क्यों मेथेन कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एक कार्बन का चैन है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो फिनॉल इसका नाम होता है, फीनेल नॉल नहीं, फीनेल मिथेन, ठीक है।
तो ये कुछ अलग टाइप के छह यौगिक थे जिन्हें अलग तरीके से आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा समझ के, और फिर इन चीजों को याद भी रख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही चीजों को सीखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो एक नई चीजों के साथ हम लोग जुड़ेंगे। फिलहाल जो हम लोग एल्किन से संबंधित नामकरण वाला में वर्क्स दिए हैं, आप उसको जरूर से जरूर बनाइए और फिर ग्रुप में सेंड कीजिए। तब तक धन्यवाद।